वी वॉन्ट टू बिल्ड इंडिया एज ए ड्राइवर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल. वी विल सून पुट इन प्लेस अ स्टेबल पॉलिसी रेजिम अराउंड इलेक्ट्रिक एंड अदर ऑल्टरनेटिव फ्यूअल व्हीकल. भारतीय सड़कों पर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कब्जा हो रहा है. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक चलन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक अच्छा इशारा है. साथ ही इससे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते स्तर से भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इस प्रयास को एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक बसें भी पेश की है, जिसके बाद से भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक बस का दिखना काफी आम होता जा रहा है. आने वाला दौर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर है और इसे लेकर दुनिया भर की कई सरकारों ने गाइडलाइंस भी बनानी शुरू कर दी है. कुछ देशों में वर्ष 2030 तक यानी अगले 8 वर्षों में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री का प्रावधान रखा गया है, यानी 2030 के बाद इन देशों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री नहीं होगी. भारत में केंद्र व राज्य सरकारें भी सब्सिडी के जरिए इसे प्रोत्साहित कर रही है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते चलन का फायदा निवेशक भी उठा सकते हैं और तमाम बड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल से आने वाले समय में शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं. इस कड़ी में राजस्थान में भी सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का संचालन जोरों पर किया जा रहा है. राज्य परिवहन निगम की ओर से जयपुर से दिल्ली के बीच करीब 1.5 दर्जन इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही है, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और साथ ही परिवहन निगम की आय भी बढ़ेगी. देश में पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन जैसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रही है. मोदी सरकार की फेम इंडिया योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मोदी सरकार पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रसार और प्रचार बढ़ रहा है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर खुद इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उनका अनुभव काफी अच्छा रहा है और वे दूसरों को भी ऐसी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करते हैं. मैं अभी पिछले एक साल से ये इलेक्ट्रिकल गाड़ी उपयोग कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल गाड़ी का बहुत अच्छा अनुभव है. 1 रुपए किलोमीटर फ्यूल कॉस्ट है. इसी कड़ी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की वृद्धि के लिए निश्चित रूप से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए पंचामृत मंत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद करेगी और भारतीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगी. इसलिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उसके इस्तेमाल में तेजी लाना आवश्यक है. उन्होंने कहा, हमें भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण केंद्र बनाने की भी जरूरत है. उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली में भारत के विकास से 2030 तक अकेले तेल आयात में 20 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है.